क्यों पूरी टीम को दिया गया है आईडी कार्ड? कौन सी कंट्रोवर्सीज में घिर गई थी आलिया भट्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकुरी और बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। और यंग टाइगर जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी अगली फिल्म आरआरआर की शूटिंग में व्यस्त है। एक एम शेड्यूल की शूटिंग के लिए टीम फिलहाल यूक्रेन में है। टीम फिल्म के सेट पर काफी सख्त प्रोटोकॉल का पालन करती है। सबके पास अपना अपना आईडी कार्ड है। जूनियर एनटीआर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसी के साथ एक फोटो साझा की। जूनियर एनटीआर जो शायद ही कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की जिन्हें उन्होंने आरआरआर के सेट पर कैद किया। फोटो में उन्हें अपने नाम का आईडी कार्ड पहने हुए देखा जा सकता है। जब कोई मल्टी स्टारर फिल्म बने वो भी इतने बड़े पैमाने पर और वो कॉन्ट्रोवर्सीज में ना गिरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म की स्टार कास्ट में से एक आलिया भट्ट के साथ जून 2020 में। आलिया भट्ट द्वारा 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के दौरान पोस्ट किए गए एक शोक संदेश के बाद नेटिजंस द्वारा उन्हें ट्रोल किया गया। उनकी मृत्यु ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद की बहस को काफी हवा दी थी और नेटिजंस और राजपूत के फैंस के एक वर्ग ने वीडियो क्लिप साझा किया जहां भट्ट ने एक चैट शो में सुशांत के बारे में काफी डिसमिसिवली बातें कही थी। उसी वीडियो को देखकर उन पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगे। प्रशंसकों ने राजमौली को आगे चलकर जान से मारने की धमकी देकर भट्ट को उनकी जगह रिप्लेस करने को कहा और किसी और एक्टर को लेने को कहा। आखिरकार आलिया भट्ट को फिल्म से बाहर कर ले जाने की रूमर्स कोने कोने में फैल गई थी। जब आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर आया तो वो दुनिया भर में दूसरा सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बना और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया। कई परेशानियों को सामना करते हुए राजमौली ने उन्हें चेंज नहीं किया, लेकिन प्रशंसकों ने भट्ट को फिल्म से हटाने की मांग की क्योंकि फिल्म में उनकी उपस्थिति नेगेटिविटी को ट्रिगर कर सकती है। यहां तक कि प्रियंका चोपड़ा को भट्ट को रिप्लेस करने की सबसे ज्यादा खबरें सामने आने लगी। हालांकि बाद में आलिया भट्ट ने इस खबर को र्यूमर बताया और कहा कि वो फिल्म का हिस्सा थी और रहेंगी। राजमौली ने भी खुलासा किया कि उन्होंने भट्ट को उनके टैलेंट के आधार पर कास्ट किया है और न कि उनके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर। तो क्या आप भी राजमौली के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं और आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाली इस मल्टी स्टारर मास्टरपीस के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।